यहाँ पे हम एक और इक्वेशन बनाना जहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से आप इसकी फॉर्मेशन होती है. समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइज एक्सेट्रा फ्रॉम द रिएक्टेंट आर इंडिकेटेड अबव और ओवन बिलो द एरो इन द इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल. यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ इक्वेशंस जो है वो किस तरीके से बनती है, वो टेम्परेचर के आधार पर होती है, या फिर उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या फिर उसकी जो नमी होती है, क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन होता है, उसकी हेल्प से भी हम कुछ जो रिएक्शन है वो यहाँ पे प्लेस लेते हैं. किस तरीके से हमें यहाँ पे बताया गया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है COG प्लस 2H2G 340 ATM CH3OHI. यानी कि ये हमारा जो एलिमेंट दिया हुआ है किस तरीके से दिया हुआ है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे यहाँ पे गैसेस फॉर्म में अवेलेबल है, प्लस 2H2 यानी कि हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे वो भी हमारे गैसेस फॉर्म में है. अब इन दोनों के मिलने से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 340 ATM. ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, यानी कि 340 डिग्री पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर इस चीज़ को इतना प्रेशर मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक और गैस है वो प्रोड्यूस होगी जो हम बोलेंगे CH3OHL यानी कि लिक्विड. ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगी, ये होगी मिथेलिन. ठीक है, मिथेलिन फॉर्मेशन यहाँ पे होगा जो लिक्विड फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो इससे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिक्स करें तो हमें यहाँ पे मिथेलिन जो फॉर्मेशन एक तरीके का लिक्विड है वो हमें यहाँ पे मिलेगा. और जो मिथेलिन है वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में भी आगे इस्तेमाल किया जाएगा. सेकेंड यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए पूरी इक्वेशन बताई गई है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में प्रोसेस होती है उसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं. जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 6O2. ठीक है, तो 6 क्या है, इस चीज़ का मॉलिक्यूल फॉर्मूला है क्योंकि मॉलिक्यूल एलिमेंट है CO2. CO2 यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे एक्वेरियस फॉर्म में दी गई है. एक्वेरियस फॉर्म में यहाँ पे क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस फॉर्म में क्यों डालते हैं, कोई कि अगर लिक्विड स्टेट में हमें इसे कन्वर्ट करना हो जिसमें गैस और लिक्विड दोनों प्रेजेंट हो. प्लस यहाँ पे दिया हुआ है H2O. H2O यानी कि यहाँ पे पानी की मात्रा दी गई है, वाटर. ठीक है, H2O यहाँ पे वाटर का एलिमेंट दिया हुआ है और 12 जो यहाँ पे दिया हुआ है वो उसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला है और ये भी हमारा लिक्विड स्टेट में यानी कि L में है. अगर ये दो चीज़ें मिल रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिल रही है, सनलाइट. ठीक है, अगर प्रॉपरली सनलाइट यहाँ पे क्लोरोफाइल भी यहाँ पे एक एलिमेंट है जो सनलाइट से जुड़ा हुआ है, अगर ये चीज़ यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा. ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो 6C एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक है, ये जो हमारा C का एलिमेंट है यहाँ पे इसके आगे 6 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे. ठीक है, तो C हमारा 6 हो जाएगा. उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन की मात्रा है, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे 12 एलिमेंट दिया हुआ है तो ये भी यहाँ पे 12 हम नीचे ले लेंगे. उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी यहाँ पे हम जो एलिमेंट की मात्रा है इसको प्रॉपर करने के लिए अगर हमारे पास सी यहाँ पे 6 लिया हुआ है तो वो भी हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6 एलिमेंट लेंगे ताकि जो हाइड्रोजन की मात्रा जो सॉरी हमें यहाँ पे वाटर की जो मात्रा दी गई है वो प्रॉपरली हो सके. ठीक है, तो 6+6 करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा और ये भी मेरा 12 एलिमेंट है तो ये हमारा ग्लूकोज बनेगा जो हमारा एक्वेरियस फॉर्मेशन में होगा यानी कि लिक्विड स्टेट में. प्लस सी यहाँ पर 6O2. ठीक है, हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी यहाँ पे क्या होगी, सी एलिमेंट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया है तो 6 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, O के साथ, यानी कि इस 6 को पहले सी के साथ करेंगे फिर 6 को हम O के साथ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 6O2 आ गया जो एक्वेरियस फॉर्म है. सेकेंडली यहाँ पे जो हमारा 6 का एलिमेंट है वो हम किसके साथ यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ भी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 6 हमारा हाइड्रोजन के नीचे क्या दिया हुआ है, 2, क्योंकि 12 हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं तो हम यहाँ पे फिर से नहीं लेंगे. और लास्टली यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऑलरेडी यहाँ पे हम यूज़ कर चुके हैं और दूसरे का जो एलिमेंट है वो हम एज इट इज़ यहाँ पे रख देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन है वो हमें आपको शो होगा. ये हमारा एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का पूरा यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है.